previously on 4D. ओए गाड़ी रुको ए जेंटलमैन बन के रही हो मोना के साथ बढ़िया जब मिले जब प्यार से ठीक है और पास वास हो गई नहीं अरे बॉस कहाँ 50% ले लो या हम जैसे को ले लो एक जैसे ही रह जाते हैं कहाँ पास होंगे हम तो फिर वो लिस्ट विस्ट निकालो यार और ये दो चंपक छोरे कौन है अरे भाई कौन है बंदी अरे भाई मोना यार मीरजादी तू तो जानता ही ना मीरजादी कैसे होते हैं होट क्यों सूझे पड़े थे घुसन पेल लिया फिर से उसके भाई ने उसी बहन ने अरे कल प्रिंसिपल ने बोला है मैं मैनेजमेंट से जाके बात करूँ हाँ भाई कहाँ हो सब हाँ आ जाओ सब मैं वहीं मिलूँगा हाँ सबको इकट्ठा करके लिया ठीक चल आ जाओ सब आ जाओ कोई दिक्कत हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं फाइनल वालों के 15-20 दिन का रिजल्ट भी आ जाएगा तो उस दिन के लिए हमने बड़े प्लान्स बनाए थे हाँ बॉस है ना कि तैयारी हो गई बिल्कुल तैयार है फिर मैंने वो 50% से कम वालों की लिस्ट जो मंगाई थी हाँ बॉस आए हो ले लेना भाई ये है बॉस वो लिस्ट अरे ये क्या है लड़कियों की तरफ से तो कोई समर्थन ही नहीं है मतलब हद है एक तरफ साली जेंडर इक्वलिटी की बातें करती है और दूसरी तरफ मौके का फायदा ही नहीं उठाती है बस वो कोई भी लड़की फेल नहीं हुई ना तो कहाँ से नाम दे बहन जो पहले बताना चाहिए था ना मतलब दिमाग में बात सीधे तरह से घुसती नहीं है क्या तुम्हारे तुमने मेरे लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी इस कॉलेज में तब भी मैं कुछ नहीं बोली ओके आई कॉल यू एवरी टाइम आई आस्क यू टू मीट मी एवरी टाइम यू इग्नोर मी मैम सब थर सुट्टो चूतिया है क्या यार लड़ाई चल के सुट्टा चाहिए तेरे को जा बाद में आना हाँ तो तब भी मैं कुछ नहीं बोली तेरे को ठीक है सुनाई नहीं दे रहा क्या हेलो सुन रहा हूँ मेरे पास है ना तुम्हारी सारी वीडियोस पड़ी है ठीक है यू केस हो सकता है तुम पे यू और तुमको पता है गवर्नमेंट कचहरी के चक्कर में लोग इजीली नहीं निकलते चल मान लिया तो फिर भी निकल गए ठीक है निकल गए तो क्या मेरा भाई है ना जितने बॉडी में तुम्हारे पुर्जे हैं रोज साफ करता है ऐसे ठीक है यहाँ लोग टिंडर की तरह ऐसे यू स्वाइप करता है और तुम तो फिर भी सुपर लाइक्ड हो और क्या ऐसे क्यों बैठे हो या क्या राशन लेने खड़े क्या हम कुछ बोलो सही तुम देवी आगे तो आगे तुम्हारी देवी कंटिन्यू लड़कियों के लिए भी वैसे भी आओ तो वेलकम जाओ तो वेलकम चलो बाकी समय कम है अपने पास मेहनत करते रहो उस दिन की तैयारी करते रहो जरूरत पड़े इन्फॉर्म करो मुझे ठीक है क्या हुआ इसको लौंडो सरिया तमंचे भाटे ले लो आज गैंगवार होने वाला है छोरे मेरे गांव में एक कहावत है सुन ध्यान से अगर लड़का लड़की को छेड़ दे तो बचता नहीं और अगर लड़की लड़के को छेड़ दे ना तो बिल्कुल ही नहीं बचता हो गया थारो अब मारी सुन ज़्यादा बोलना और हैसियत से ज़्यादा फेंकना अपशगुन होता है तुम्हें बताऊँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम एक लड़की हो और ऐसी वैसी लड़की नहीं हो तुम वैसी लड़की हो तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हारी जैसी लड़कियों को चाहिए होता है लड़कों से एक्स्ट्रा अटेंशन और उसके लिए तुम करती हो एक्स्ट्रा मेकअप और फिर भी तुम्हारी हाइट तो छोटी रह गई तो उसके लिए चाहिए होती है तुम्हें हाई हील्स ये तो सब हो गई मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक्सक्यूज मी यार ले आया सुट्टा लाया सुट्टा
खाते में लिख देना अपने पीसा खाते में लिख देना कंटिन्यू क्या मिलता है ये सब करके मैंने रियल लाइफ में ऐसा होते कभी देखा ही नहीं है लेकिन अब जब देखा है तो तुम्हें बता रही हूँ कि किशन तुम्हारी एज अ वुमन बहुत रिस्पेक्ट करता है जितने डिसीजंस लेने में तुम कैपेबल हो वो भी ले सकता है अपने डिसीजंस और इज्जत कमानी पड़ती है खैर हाथ में नहीं बनती है वुमेन राइट्स तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी है लेकिन उन्हें मिसयूज करने का राइट तुम्हें किसने दिया वुमेन राइट्स को मिसयूज करके आज तुम सब कुछ ले लोगी लेकिन कल को समेटने में नहीं आएगा कंट्रोल भाभी जी कंट्रोल आप किशन को संभालिए मैं इसे संभालता हूँ तू आ साइड में चल 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 क्या नाम बताया इसका मोना डार्लिंग मैंने सुना है तू बड़ी गंदी गंदी बातें करती कर ना कर गंदी बातें कर अरे कोई दिक्कत नहीं बुरा लगा तुझे बुरा लग रहा है हर्ट भी हुआ होगा गुस्सा रहा है ले मार 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 अरे भाई देख मेरी बात सुन तू जिस जो लड़के हैं ना उन दो तीन लड़कियों की वजह से पूरी कौम को सुनना पड़ता है समझ रही ना तू क्या सोचती है आजकल के लौंडे वो सतयुग के लौंडे हैं जो सीता माता को उठा के लेके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे अरे इधर देख आजकल के लौंडे वो लौंडे हैं जो लौंडिया को उठा के भी लेके जाएंगे और उसके बाप के सामने धरना भी देंगे समझ रही ना तू समझ रही मेरी बात को इधर देख मेरी बात संभालेगा अरे तेरे भाई को बाद में देखूंगा मैं मेरी बात सुन मेरी बात तो सुन अगर तुझे गंदी बात करनी है ना मुझसे करना उन बिल्लियों में क्या रखा है शेर है शेरों से कर बिल्लियों में क्या रखा है अबे तूने प्यार को खिलौना समझा है क्या जो तेरा अमीर बाप और बाहुबली भाई तेरी गोदी में बाहुबली तो अपना देवी प्रसाद है ना हाँ वही मोस्ट वांटेड भाई मोस्ट वांटेड थोड़ा ज्यादा अबे कंट्रोल मजनू हाँ वही जो तुम्हारी गोदी में ला के देगा और तू खेलती रहेगी उसे मेरी बात सुन हाँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गई ना आज के बाद किशन और बाबू जी के बीच में नहीं आना तू और तू समझा रहे से अरे बस कर से तू साले कहाँ कहाँ से आया था सबको लीड बनना कहाँ नेता बनने निकला था मेरे रास्ते में फंस गया साले ये भी जलाएगी अब यार मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा कुछ तुम लड़कों का तो रोज का काम है ना तुम ही समझा दो इसको कुछ मैं क्या समझाऊँ भाभी जी आप मेरी मानो तो आप दोनों ही अंडरग्राउंड हो जाओ और वैसे भी सबसे ज्यादा दिक्कत दोनों को तुमसे है छुपना कब से सॉल्यूशन होने लगा यार लोगों से कब तक छुपते रहेंगे भागते रहेंगे छुपना कोई सॉल्यूशन नहीं है मैं भी मानता हूँ बट तुम मेंटली स्ट्रांग हो वो फिजिकली स्ट्रांग है तो बात ऐसी है कि तुम्हारा कबाब दोनों का बनाने में उसे देर नहीं लगेगी बंदा क्या है तो सही रहा यार अच्छा तुम दोनों समझ गए ना क्या करना है तुम्हें 15 दिन बाद रिजल्ट आने वाला ले और निकलो आना मत दिखाई मत देना यहाँ पे अब और मुझे बहुत काम है यार तुम दोनों के झगड़े में कब तक हाँ सेतू ये मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी थी यार हाँ मुझे कोई कमी लग नहीं रही है वैसे तूने सही कहा था यार कि तो इज्जत से पास होने वाले कोई है ही नहीं जो पास हो रहे हैं वो 60% से ऊपर हैं जो फेल हो रहे हैं वो 20% से नीचे हैं सही है हाँ यार लोगों की आबादी देखते हुए लग रहा है कि भीड़ को दो में बांटना पड़ेगा जरूरत है यार देख दो को अगर भीड़ को अपन दो में स्प्लिट कर देंगे तो उन्हें कोऑर्डिनेट करने में फ़ायदा हो जाएगा और जब धरने का टाइम आएगा तो एक जनता तो कॉलेज के वहाँ धरना कर देगी और एक जनता हॉस्टल के बाहर कर देगी तो इससे अपन को फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को दिखेगा कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी शायद और सपोर्ट मिल जाए और कॉलेज वालों को और मैनेजमेंट को लग जाए कि हाँ भाई कुछ बड़ा काम हो रहा है चल ठीक हाँ चल मैं थोड़ा बहुत और लिख लेता हूँ हाँ वैसे तूने आज जो शंकु हुआ था ना अपना थड़ी वाले को तूने डराया था अरे बहुत मस्त था वो एक पहले वो कांड हुआ था उसके बाद आज कुछ नया हुआ है वो अच्छा हुआ है हाँ चल बाय यार 15 दिन ही बच गए हैं यार पोस्टर चिपकाने हैं रैली निकालनी है धरना देने की तैयारी करनी है लेटर देने हैं ज़िंदगी में गुंडागर्दी बहुत हो गई अब सोच रहा हूँ कुछ पिछड़े वर्ग वाले के लिए कुछ कर दूँ ताकि 4 लोग याद तो रखे कि मैं कुछ था चल बाय
भाई देवीलाल बॉस को देखा देखा। अरे हाँ मैंने देखा था, टॉयलेट की तरफ जाता। थैंक्स भाई। बॉस से मिलना है। बॉस अग रहे हैं अभी, मुझे जरूरी काम था। मुझे पहले सरिया साइड में रख। बॉस क्या हुआ? बॉस बगल वाले कॉलेज से लड़ाई होगी। डेंटल की लड़की को मारा था, नाम पूछा तो अकड़ खा रहा था। क्या हो गया? नाम पूछा तो स्कॉर्पियो बढ़ के लोंडे बुला लिए, अब अपनी आबादी कम पड़ रही है। से कैसे बहनचोद हमारे कैंपस में आके हमारी लौंडिया घुमा के बहनचोद और हम पे सीना तोड़? चल अभी साले की कूदते हैं। पहली बात दिल्ली में बहुत बड़ा काम, तो ऐसा कर लौंडे कम पड़ रहे ना, गुड्डू भाई को जानता है ना बचपन वाले, उनको फोन कर। हम स्कॉर्पियो लेके बस ले जाए। यार मैं भी चलता हूँ। नहीं यार तेरे लिए बड़ा काम है, जा। इससे बड़ा काम क्या होगा, बहनचोद अपनी लौंडिया को छेड़ने जा रहे हैं, इससे बड़ा काम क्या तेरे पास? बचपन नंबर वाले को फोन करे, साले को फोड़ के आना शाम। अभी भाई क्या करो ने? आजा पाली वाला, आजा, तेरी जिंदगी को बड़ा मकसद देता हूँ। लेकिन ये है क्या सब कुछ? क्या करने का प्लान कर रहा है तू? ये वही है बड़ा काम। पालीवाल यहाँ के भाई, समझ में नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रहा है। मैं तुझे वही समझा रहा हूँ, तू जानता है मैं कौन हूँ? अबे तू देवीलाल है? देवीलाल और कौन है? मैं एक उग्रवादी नेता हूँ, 10 दिन बाद रिजल्ट आने वाला, 5 दिन वैसे ही बर्बाद हो चुका। मेरे पास भीड़ बढ़ाने वाले लोग खूब हैं, लेकिन मुझे भीड़ को लीड करने वाले लोग चाहिए ताकि वो मेरी टीम को, मेरी भीड़ को एक मकसद दे। लेकिन तू मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा मकसद है 50% से कम वाले लोगों को आरक्षण दिलाना, ताकि जो लोग इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं ना कभी फेल ना होना पड़े। आरक्षण सुन रहा हूँ मैं, तू क्या ना क्या चाहता है? आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, जिसकी लिस्ट ये है गॉड के पिजाई से। अब हमने यहाँ आंदोलन करने का प्लान बनाया है, यही मेरी रणनीति है और यही राजनीति। अबे लेकिन मैं ही क्यों? मैं क्या काम आ सकता हूँ तेरे भाई? क्यों तू जानता ही है, तू इस कॉलेज का शुरुआत से कवर है। मैं चाहता हूँ तेरे जैसा लौंडे हमारी टीम को लीड करे, ताकि मैं मैनेजमेंट को बड़े प्यार से मेरी बात समझा सकूं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मैं करूँगा क्या? तू अब से मेरी आधी टीम को लीड करेगा, मैं तुझे पूरी अथॉरिटी देता हूँ, कोई भी पब्लिक स्टंट करे मेरे लौंडे तेरे साथ है। मैं ही क्यों यार? क्योंकि मैंने तुझे अपना राइट हैंड बनाया। नहीं, तुझे लेफ्ट हैंड बनाया। बाकी जो अपन ने इतनी बात करी है, मेरे को सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आज शाम को मिलते हैं भाई, शाम तक बना दे। तुझसे उम्मीदें हैं भाई। लगता है कोई बहुत गुस्से में है। लोगों के काम में टांग अड़ाने में मजा बहुत आता है तुमको? नहीं, लोगों के टांग अड़ाने में नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, जलने की बहुत बदबू आई तो मैं क्यूरियस हो गया। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा और किशन का कुछ चल रहा है ना? और मैंने तो ये भी सुना है कि
बोलने से पहले दो बार सोच लेना कि तुम्हारे स्वैग को नजर ना लग जाए। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमने अपनी बेइज्जती होने कैसे दी। कल के लौंडे तुम्हारी ऐसी तैसी कर गए। बेबस तो शरीफ होते हैं, तुम कब से बेबस हो गई? कहना क्या चाहते हो? मैं तो वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रहे हो कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लड़की हो, कुछ तो फायदा उठा ही सकती हो। आए दिन इतने लॉ बन रहे हैं लड़कियों के फेवर में। बात तो तुम्हारी सही है, तुम पक्का पालीवार होंगे। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, पूरे कॉलेज में गेम ऑफ थ्रोन चला रखा है तुमने। बट मेरे से राजनीति करने से पहले सोच लेना, रीजन तो तुमको पता ही होगा। सब सही है, बात तो सही है, मैं तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, फ्री एडवाइस देने आया था। एडवाइस फ्री है, लेनी है तो लो। चलो बाय। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 4D। अब ये सब कुछ नहीं सहा जाएगा, अब 50% से कम वालों के घर पे भी अच्छे लड़कियों के रिश्ते आएंगे।